नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत। इस्कॉन, आप सभी इस नाम से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, आप परिचित होंगे। मथुरा, वृंदावन, दिल्ली, मुंबई समेत देश और विदेश के कई शहरों में बड़े इस्कॉन के मंदिर हैं, जिनमें श्री कृष्ण के दर्शन बहुत सारे लोगों ने किए हैं। आपने भी जरूर किए होंगे। अभी अभी कृष्ण जन्माष्टमी गई, लेकिन फिलहाल इस्कॉन विवादों के घेरे में। भारतीय जनता पार्टी सांसद मेनका गांधी ने इस्कॉन पर ऐसा आरोप लगाया है जिससे सनसनी फैल गई। मेनका गांधी ने कहा कि भारत में इस समय सबसे बड़ा धोखेबाज इस्कॉन है और वो उन गायों को कसाईयों के हवाले कर देता है जो दूध नहीं देती। इन आरोपों से इस्कॉन के भक्त समर्थक बहुत दुखी। अब इस्कॉन के कई भक्तों ने मेनका गांधी को 100 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेज दिया है। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि मेनका गांधी ने ऐसा बोल क्या दिया, आरोप क्या लगाया। उन्होंने कहा, नंबर वन, इस्कॉन जैसा काम कोई नहीं करता। भारत में इस समय सबसे बड़ा धोखेबाज इस्कॉन है। वे सड़कों पर हरे राम हरे कृष्ण गाते हैं, लेकिन अपनी गौशालाओं की गायों को कसाईयों को बेचते। सरकार की ओर से उन्हें अनगिनत फायदे मिले, जमीनें मिली, फिर भी जो गाय दूध नहीं देती उन्हें कसाईयों के हवाले कर देते। इनकी गौशालाओं में एक भी बूढ़ी गाय और बछड़ा नहीं। फिर वो कहती है, मैं अनंतपुर में इस्कॉन की गौशाला में गई थी, गौशाला में एक भी गाय ऐसी नहीं मिली जो दूध ना देती। इस्कॉन ने मेनका गांधी के आरोपों का खंडन किया है। अब इस्कॉन के मुताबिक मेनका गांधी के आरोप निराधार और दुर्भावनापूर्ण। जिस अनंतपुर की गौशाला को लेकर आरोप लगाए गए हैं, वहां पर इस्कॉन कहती है कि हमको कोई जानकारी नहीं है कि वो कब आई। वहां 250 से ज्यादा ऐसी गायें हैं जो दूध नहीं देती। अनंतपुर की गौशाला में सैकड़ों बछड़े भी हैं। ये इस्कॉन की तरफ से जवाब है। इस्कॉन दुनिया भर में गाय की रक्षा में सबसे आगे है। गाय, बैलों और जिंदगी भर सेवा उनकी करने के लिए वो तत्पर रहते हैं और कसाईयों को वो इसको नहीं बेचते। इस्कॉन कहता है कि भारत में 60 से ज्यादा गौशालाओं का रख रखाव वो कर रहे हैं और गाय, बैलों और बछड़ों की प्यार से वो सेवा करते हैं। इस्कॉन पिछले 50 वर्षों से अधिक सिर्फ भारत में नहीं बट पूरे विश्व में, जहां पे मांस और नॉन वेजिटेरियनिज्म बहुत कॉमन है, वहां से देशों में भी वेजिटेरियनिज्म और गोसेवा गोरक्षा का प्रचार प्रसार करते आ रहा है। भारत में भी 60 से अधिक गौशालाएं हैं जहां पे गाय, बैल, बछड़े सबका हम आजीवन सेवा कर रहे हैं और कोई कसाई घर, कोई बूचर हाउस, स्लॉटर हाउस कहीं नहीं भेजते हम लोग। उनका जब तक नेचुरल उनका जो लाइफ स्पैन है वहां पे रख के प्रेम श्रद्धा के साथ उनका पूजा और सेवा किया जाता है। पहले ही हमने मेनका जी को निजी रूप में मैसेज भेजा था मिलने के लिए, बट उनका कोई ठीक जवाब आया नहीं अभी तक हमें से मिलने का। आगे की जो कार्रवाई है वो हमारा जो गवर्निंग बोर्ड है वो जब मिलेगा और चर्चा करेगा फिर हम आपको जरूर बताएंगे। बट हम तो यही कहते हैं सबको कि देखिए, जितना भी अपने कार्यक्रम है, मंदिर है, गौशालाएं हैं, सब जनता के लिए खुला है, आपका स्वागत है, आप आइए। अपने भारतवर्ष में इतने सारे गौशालाएं, वृंदावन हो, बॉम्बे हो, तिरुपति, मायापुर, कानपुर, आप कोई भी जगह चले जाइए, आप स्वयं देख सकते हैं कैसे भक्ति भाव से हमारे ना केवल भक्त बट बाहर के वॉलंटियर्स, बाहर के जो पब्लिक है वो लोग भी आके अपने हमारे गौशालाओं में सेवा करते हैं और गौ माता का पूजा करते हैं। हम समाज के सेवा में और भगवान की सेवा में लगे हुए हैं और हम तो यही कह रहे हैं कि जो भी आप कहें उसको तथ्य के साथ कहें। हम तो जो भी है आपको फैक्ट्स के साथ दिए हैं। वहां पे जब इंक्वायरी भी हुआ था, स्थानीय वहां का जो प्रशासन है, पुलिस, कलेक्टर का ऑफिस, वहां का जो सांसद, विधायक, सबने आके जांच किया हुआ है और सबने यही पाया कि ये जो एलिगेशन है बेसलेस है, तो इससे ज्यादा हम क्या प्रमाण दे सकते हैं। और जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं तो वो लोग अगर ऐसे स्टेटमेंट जारी करेंगे तो बाकी लोग फिर भगवान गीता में भी यही कहते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठस्तत्त देवे करो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते।
कि जो भी कार्य बड़ा व्यक्ति करता है पूरी जनता उसको देखती है। तो हम यही आशा करते हैं कि जो भी रिस्पॉन्सिबल पोजिशन में है वो अपना वो पोजिशन का सदुपयोग करें और उसके माध्यम से संस्था, समाज, व्यक्ति सबका भला होना चाहिए, ना कि बेबुनियाद आरोप लगने चाहिए। तो ये थे इस्कॉन के युधिष्ठिर दास जी। अब आपको ये बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर भाजप बनाम भाजप हो गया। मेनका गांधी कौन सी पार्टी की सांसद हैं? बीजेपी की, और उन्हीं की अपनी पार्टी के एक नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, आपको याद होगा, बहुत सारे प्रकरणों के लिए वो चर्चा में रहते हैं, वो चले गए मथुरा और वृंदावन और वहां से उन्होंने अपना कैमरा ऑन किया और खुद ही फिल्म बनानी शुरू कर दी जिसमें वो अपने ही सांसद को एक्सपोज कर रहे हैं इस्कॉन के एक गौशाला के अंदर से। आइए देखते हैं उनकी रिपोर्ट। हरे कृष्णा। उन्होंने सबसे पहला आरोप लगाया था भी हमारे पास बछड़े नहीं हैं, हम खाली दूध निकालते हैं, दूध को सेल आउट कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास 30 मिल्किंग काउ है, मैंने आपको चार्ट दिखाया था मेरे ऑफिस में, तो 30 मिल्किंग काउ, तो हमारे पास 36 काफ हैं, मेल फीमेल दोनों हैं इसमें, तो ये आप देख लीजिएगा। तो ये यहीं रहेंगे, बड़े होने के बाद मेल जो हैं वो जो बुल हैं हमारे पास उस साइड में शिफ्ट हो जाएंगे, गायें गायें के साथ, फिर नई जो जनरेशन आएगी वो फिर वापस यहाँ पे आती रहेगी, मतलब सर्कल चलता रहता है ऐसे, ये वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, नए काफ इधर आ जाएंगे। तो हमारे पास आप देख सकते हो 36 काफ हैं, तो बेचने का कोई तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे उनका मेन था भी वो मेल बछड़े होते हैं हम स्लॉटर हाउस में बेच देते हैं, वही बछड़े बड़े होके बैल का रूप धारण करते हैं जी, मतलब एक साल तक जो मैंने आपको शेड दिखाया बच्चों वाला वहाँ तक रहते हैं, डेढ़ साल के बाद फिर हम यहाँ उनको शिफ्ट कर देते हैं। हाँ। मतलब यहाँ पे अंदर एक अलग सेक्शन बनाया हुआ है। हाँ। 6 महीने वहाँ रखते हैं, फिर उसके बाद इनको सब में मिक्स कर देते हैं। तो आप देख सकते हो इसमें कुछ छोटे बैल भी हैं, बड़े बैल भी हैं। तो इसमें क्या होता है, 15 साल इनकी एज होती है, 15 से 20 तक, तो उसके बाद शरीर छोड़ते रहते हैं, नए आते रहते हैं, ये सर्कल चलता रहता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ भाजपा बनाम भाजपा हो गया है। अपने ही सांसद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कई नेता अब इस्कॉन की गौशालाओं में जा जाकर उनको गलत साबित कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि इस्कॉन की एबीसी क्या है। दरअसल इस्कॉन का पूरा नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ISK, उसके बाद कॉन्शियसनेस को CON, तो ये शॉर्ट में इस्कॉन हो जाता। सन 66 में भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने इसकी स्थापना की। दुनिया का पहला इस्कॉन मंदिर न्यूयॉर्क में बना। देश में इस्कॉन के 400 से ज्यादा केंद्र हैं। पूरी दुनिया में श्री कृष्ण का संदेश पहुंचाने का एक मकसद इस इस्कॉन संस्था का है। सन 75 में वृंदावन में इस्कॉन मंदिर की स्थापना हुई। इस्कॉन में भारतीयों से ज्यादा आते हैं विदेशी श्रद्धालु, आप जानते ही, आप देखते होंगे उनके तमाम वीडियोज भी आते हैं। इस्कॉन के भी अलग अलग रूप हो गए हैं, एक इस्कॉन बेंगलुरु है, एक इस्कॉन मुंबई है, लेकिन इनका उद्देश्य अगर आप इनके मंदिर में जाएं तो वो हरे कृष्णा मूवमेंट, वो है भगवान कृष्ण के प्रति आस्था, और ये गौशाला भी चलाते हैं। लेकिन ये जो मामला सामने आया है अब इसको लेकर के कुछ बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, और वो सवाल मेनका गांधी जो कि सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की उनसे हैं। ये सवाल क्या है? सवाल नंबर एक, मेनका गांधी के पास क्या सबूत है जो वो बोल रही हैं? सीधी सी बात है ना, इतना बड़ा आरोप लगा दिया आपने, आपके पास सबूत होने चाहिए। और दूसरी बात, अगर सबूत है, मैं चलिए मान के चल रहा हूं क्योंकि उसके बाद से उन्होंने बयान नहीं दिया है, तो हो सकता है इतनी बड़ी सांसद है भाई उनके पास कोई सबूत होंगे, तो जो सबूत है वो कब पेश करेंगे? और अगर पेश नहीं करती हैं तो फिर ये कहानी किस तरीके का मोड़ लेगी? और आइए अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी। बिहार के मिथिलांचल में शास्त्रार्थ की समृद्ध परंपरा रही। शास्त्रार्थ का मतलब है विद्वानों के बीच ज्ञान के किसी मुद्दे पर वाद और विवाद। उपनिषदों में मिथिला नरेश जनक के दरबार में बहुत सारे महाविद्वान जो हैं उन्होंने शास्त्रार्थ का जिक्र किया और वो जिक्र आपको मिलता भी। आदि शंकराचार्य और पंडित मदन मिश्रा का शास्त्रार्थ बहुत ही प्रसिद्ध है।
इसी मिथिला से एक मीठी लोक कथा है गोनू झा की। वंदती है कि गोनू झा अलौकिक ज्ञानी थे। एक बार काशी के एक विद्वान शास्त्री जी मिथिला नरेश के दरबार पहुंचे, और ये कहानी क्यों बताई जा रही है आपको वो कुछ देर में आपको ये जैसे समझ में आ ही गया होगा, भूमिका बांध रहा हूं, धैर्य रखिए। राजा ने उनका स्वागत किया, उनसे आतिथ्य स्वीकार करने का की प्रार्थना की। आतिथ्य क्या है? मेहमान नवाजी, कि आप मेरी मेहमान नवाजी स्वीकार। तो उनके बीच का जो वाद है, जो वाद और विवाद हो गया जिसको शास्त्रार्थ कहते हैं, वो जरा आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। काशी के विद्वान शास्त्री जो हैं, उन्होंने बोला मैं प्रसिद्ध गुरुकुल से शिक्षित हूं, वेद शास्त्र और पुराण मुझे कंठस्थ है, मिथिला के सभी विद्वानों मैं ललकारता हूं, जो मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा मैं उसका शिष्य हो जाऊंगा, नहीं तो उसे मेरा शिष्य बनना होगा। तो ये थे काशी के विद्वान शास्त्री जिन्होंने ये ललकार दिया। तो गोनू झा कहते हैं आप चार दिन से इसी तरीके के सवाल मुझसे पूछे जा रहे हैं। तो विद्वान जो है वो सिर्फ प्रश्न नहीं करते, उत्तर भी देते हैं। तो फिर उन्होंने सवाल पूछने शुरू किए गोनू झा ने। वो कहते हैं बुद्धि का प्रकटीकरण कहां से, मतलब कहां से प्रकट होती है बुद्धि? तो काशी के विद्वान शास्त्री मजाक उड़ाते हुए कहते हैं ये कौन नहीं जानता, उत्तर है मस्तिष्क। गोनू झा बोले नहीं विप्रवर, मस्तिष्क नहीं होंठ। उनका यह कहना है मेरा सवाल यह नहीं था कि आता कहां से, प्रकटीकरण प्रकट कहां से होता है। आप अगर कोई चीज बोल रहे हैं बुद्धि है वो प्रकट कहां से होती है? तो सोच भले ही दिमाग रहा हो, प्रकट तो होंठ से हो रहा है। यह उन्होंने वहां इन विद्वान को फंसाने की कोशिश की। फिर गोनू झा ने एक और सवाल डाला, उन्होंने कहा बुद्धि का आहार क्या है? तो काशी के विद्वान जो हैं वो चकराते हुए थोड़ा, क्योंकि ये बहुत टाइम तक घंटों तक चल रहा था, तो थोड़ा सा वो चक्कर खाए कि ये तो क्या पता नहीं अब क्या पलटवार आ रहा है। उन्होंने बोला ये भी कोई सवाल है? तो गोनू झा बोले बुद्धि समय खाती है। और फिर तालियां बज गई इस बात पर। अब ये बहुत समय तक ये चलता रहा, ये सिलसिला कई घंटों तक चला इस दरबार में, लेकिन आखिरकार इस तर्क की लड़ाई में काशी के विद्वान शास्त्री पराजित हो गए। इस छोटी सी कहानी के पीछे एक संदेश साफ, शास्त्रार्थ किसी एक सत्य पर आधारित नहीं, ये लगातार चलने वाली एक क्रिया है, यही हिंदू धर्म की असलियत है। लेकिन आज देश में एक क्रिया जिसको वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन क्या कहते हैं वो राशन कार्ड है ना, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन टैक्स, इस तरीके की बातें जो सामने आती हैं, इसी श्रृंखला में अब ऐसे लगता है कि वन नेशन वन पंचांग की ओर भी एक कदम उठ रहा है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ताजा मामला काशी से आया। त्योहारों व्रत इन सब की तिथियों को लेकर के लगातार एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है, और उसको लेकर के कुछ लोग अक्सर कहते हैं भाई तुम्हारे यहाँ इस तिथि को हो रहा है, मेरे यहाँ इस तिथि को हो रहा है, ऐसा क्यों है, एक ही हो जाए तो ज़्यादा बेहतर हो। इस भ्रम की स्थिति को खत्म करने के लिए देश में एक नई पहल शुरू की गई, एक देश एक चुनाव की तर्ज पर, एक देश एक पंचांग सरकार नहीं कर रही। इसको तैयार करने की पहल काशी विश्वनाथ मंदिर से हुई। देश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग पंचांग प्रकाशित होते हैं। पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि देश में एक त्योहार दो अलग अलग दिनों को मनाया जाता है। पंचांगों में एक रूपता के लिए कश्मीर से केरल तक एक पंचांग के निर्माण की शुरुआत की जा रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष और प्रख्यात ज्योतिषी प्रोफेसर नागेंद्र पांडे, उनके मुताबिक नई स्मृति के निर्माण का श्री गणेश हो, प्राचीन धर्म ग्रंथों पुराणों को बनाया जाएगा ये आधार, तर्क संगत मत और परंपराओं को ही जगह दी जाएगी। नई स्मृति के आधार पर जब पंचांग बनेगा तो उससे कश्मीर से केरल तक की तिथि त्योहार व्रत उन सब में भ्रम जो हो गया है वो नहीं होगा। पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण तक
जो परंपराएं हैं वो उसमें समावेश हो, उनका सम समावेश हो। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान नई स्मृति के लोकार्पण की योजना है। नवंबर में स्मृति निर्माण समिति की पहली बैठक होगी। बीएचयू के ज्योतिष विभाग में स्मृति निर्माण के लिए ये प्रस्ताव रखा जाएगा। आइए सुन लेते हैं कि प्रोफेसर नागेंद्र पांडे, जो कि प्रख्यात ज्योतिषी हैं, वो ये जो वन नेशन वन पंचांग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं वो क्या कहते हैं। पंचांगों में तिथि पर्वों को लेकर भेद रहा है और ये भेद हर साल कुछ न कुछ गंभीर होता जा रहा है। मुझे लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में सारे पंचांगकार, सभी धर्मशास्त्री और संस्कृति सनातन के जो प्रभावशाली लोग हैं उनको बैठकर इस पर विचार करना चाहिए कि एक ही पर्व को दो दिनों तक और उसमें भी आधे लोग पूर्व पक्ष में, आधे लोग पर पक्ष में, यह बहुत जगहगाई का काम है, ये कोई बढ़िया काम नहीं है। इसमें केवल हम हंसी के पात्र बनते हैं। तो चाहिए कि सभी विद्वान मिलकर एक निश्चित रास्ता तय करें। लेकिन ये होगा कब, जब पंचांगकार अपने पंचांग प्रकाशित करने के पहले ही सभी पर्वों पर, सभी तिथियों पर ठीक से ध्यान दें और इसके बाद आपस में डिस्कस करकर कोई एक मत निश्चित करें। जो धर्मशास्त्र है ये बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है पंचांग में, और इसके बाद गणित है, जो पंचांग गणित होता है उसको बनाने वाले वो मुख्य हैं। इसके बाद लगभग पांच और हम विद्वानों को जोड़ लें तो कुल 15 लोगों की समिति हो सकती है। तो हो सकता है इसमें 15 हो, 20 भी हो सकते हैं, कुछ और भी लोगों को जोड़े। अभी हम प्रारंभिक स्तर पर केवल काशी के विद्वानों को जोड़ेंगे। काशी के विद्वानों के एकमत हो जाने पर इसके बाहर जो विद्वान हैं उनको भी समय समय पर आहूत किया जाएगा और उनसे परामर्श कर पहले काशी के विद्वान एक हो जाए। काशी में छपने वाले ये सात पंचांग हैं। अब ये पहल देश के त्योहारों को लेकर एक जो एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है उसको दूर करने का एक प्रयास है। अब इसको आप भ्रम भी कह लीजिए या मान्यता कह लीजिए, जो आपकी मर्जी। त्योहारों से सीधे तौर पर लोगों की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक व्यवस्था प्रभावित होती है। कई बार देखने को मिला है कि अहम त्योहार देश के दो हिस्सों में अलग अलग तारीखों पर मनाए जाते हैं। इससे कारोबार के साथ छुट्टी घोषित करने को लेकर भी असमंजस की स्थिति होती है। ऐसा भी देखने को मिला है कि एक ही शहर में एक त्यौहार दो अलग अलग दिन मनाया गया है। साल 2023 की ही बात कर लीजिए, रक्षाबंधन मनाने को लेकर मतभेद रहे। कहीं 30 अगस्त को मनाया गया, कहीं 31 अगस्त को मनाया गया। रात में 9 बजे के बाद शुरू हुआ था मुहूर्त। जन्माष्टमी का त्यौहार भी दो दिन मनाया गया, कहीं 18 अगस्त को मनाई गई, कहीं 19 अगस्त को। इस बार देव दीपावली, उसकी तिथि को लेकर के भी एक भ्रम है। अब आप इसको भ्रम कह लें, मान्यता मान लें, वो सब अलग अलग लोग अलग अलग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। वो जो शुरुआत में कहानी बताई थी उसको याद रखिएगा। कई लोग वन नेशन वन पंचांग का विरोध भी कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। हमारे देश में अक्षांश रेखांश देशांतर, जब अक्षांश रेखांश देशांतर जब एक नहीं हो सकता तो एक देश एक पंचांग कैसे हो सकता है। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि स्थानिक पंचांग एक हो सकते हैं, लेकिन एक देश एक पंचांग कभी भी संभव नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे देश में पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, अगर आप देखेंगे तो सूर्योदय कहीं पर, मतलब सूर्योदय काल में एक घंटे से डेढ़ घंटे का अंतर आता है। क्योंकि ज्योतिष की पूरी गणित, पंचांग की पूरी गणित सूर्य और चंद्रमा पर आधारित है, तो सूर्योदय जब एक साथ नहीं हो सकता तो पंचांग, एक देश एक पंचांग की परिकल्पना
कभी साकार नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी धर्मशास्त्र में जो भी आपके जो है तीर्थ त्यौहार होते हैं उसमें कई चीजें होती है, जिसमें निषिद्ध व्यापनी होती है, मध्यान्ह व्यापनी होती है, प्रदोष व्यापनी होती है, काल व्यापनी होती है, उदय व्यापनी होती है, तो उन समय में अंतर आएगा निश्चित रूप से। अगर यहाँ पर जो चीज उदय व्यापनी है तो आधे घंटे का अंतर लगभग मुंबई में है, अगर 6 बजकर यहाँ पर हुआ तो 6:30 बजे लगभग मुंबई में हो रहा है, तो उदय काल में अगर उससे पहले खत्म होती है उस स्थिति को कैसे मानेंगे हम? तो निश्चित रूप से इस चीज को एक भारत एक पंचांग की परिकल्पना नहीं मानी जा सकती। अब पंडित जी बात तो सही कह रहे हैं, आप बताइए ये एक कैसे हो सकता है? जो सूर्योदय और सूर्यास्त होता है वो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से होता है, तो आप एक कैसे कर सकते हैं इसको? तो क्या ये संभव है, मुमकिन है? आप प्रयास कर लीजिए और यहीं पर वो कहानी याद कीजिए जो शुरुआत में हमने आपको बताई थी, जो कि हिंदू धर्म का आधार रहा है, जो कि आपके उपनिषदों में लिखा हुआ है, आपके वेदों में ग्रंथों में लिखा हुआ है, जिसमें ये शास्त्रार्थ देखने को मिलता है, ये वाद विवाद देखने को मिलता है और इसी से ये धर्म बना। तो क्या ये मुमकिन है? प्रयास आप कर लीजिए, मुमकिन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब देश में आप भी जानते हैं, आपके घर में भी वो कैलेंडर होगा, कई तरह के पंचांग होते हैं। एक होता है विक्रमी पंचांग, जो कि उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में ज्यादा प्रचलित है। फिर एक होता है तमिल पंचांग, ये दक्षिण भारत में ज्यादा हिस्सों में प्रचलित है। वहां पर भी आप ये जान लीजिए कि साउथ इंडिया में अलग अलग राज्यों में अलग अलग पंचांग फॉलो होता है। तो अगर कोई तिथि मानी जा रही है आंध्रा और तेलंगाना में, जरूरी नहीं है कि तमिल पंचांग भी उसको माने, तो वहां पर भी तिथियों का खेल। फिर है बंगाली पंचांग, बंगाल समेत पूर्वी इलाकों में ये प्रचलित है। मलयालम पंचांग, जैसे कि हमने आपको बताया, ये केरल में प्रचलित है। और ये सौर्य पंचांग, यानी कि ये सन सोलर पंचांग, लूनर पंचांग नहीं है, मतलब मून के हिसाब से, ये चंद्रमा के हिसाब से नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इतनी अलग अलग विविधताएं हैं। अब या तो आप इसको भ्रम मान लें या इसको अपनी विविधता मान लें। बहस इस पर शुरू की गई है, ये बहस कहां तक जाएगी ये नहीं मालूम, लेकिन वो जो वन नेशन वाली श्रृंखला है उसमें एक और ऐड हो गया है, वन नेशन वन पंचांग। तो आइए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एनडीटीवी के विशेष कॉन्क्लेव में हरदीप पुरी ने एक अहम बात की और एक इशारा किया। हरदीप पुरी कौन है? केंद्रीय मंत्री। सवाल था महिला आरक्षण बिल, और विपक्ष का एक मुख्य आरोप था कि आरक्षण के लिए 29 तक इंतजार क्यों करना पड़े, अभी लागू कर दीजिए। क्योंकि अगर पार्टी वाकई गंभीर है तो क्या ये पहले ही पार्टी अपने स्तर पर और महिलाओं को टिकट दे सकती है? हरदीप पुरी ने कहा कि नियत साफ है और इरादे नेक, तो 2024 ही क्यों, पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों में भी इसको विचार कर सकती है। ये कहना कि पॉलिटिकल स्प्लैश था, आई एक्सपेक्ट यू एटलीस्ट टू लुक एट इट डिफरेंटली। अगर हम 2014 में भी ये बिल लाए होते तो इसकी इंप्लीमेंटेशन कैन नॉट बी टिल द डीलिमिटेशन फ्रीज इज ऑन, विच इज 2026। हमारी सरकार में, मोदी जी की सरकार में और पहले जो सरकारें आई उनमें यही अंतर है, जब मोदी जी कुछ कहते हैं तो कर दिखाते हैं। कांग्रेस की सरकार के समय 2013 में राज्यसभा में यह बिल पास हुआ और लोकसभा में ट्रांसमिट हुआ। सी, फैक्ट ऑफ द मैटर इज यू कुड नॉट हैव डन एनीथिंग टिल द डिलिमिटेशन इज इन प्लेस। एंड लेट मी एक्सप्लेन टू यू, टू इंप्लीमेंट रिजर्वेशन यू नीड अ सेंसस। अगर 2014 में भी हम करते हैं तो सेंसस तो वही है जो अभी 2021 वाला सेंसस है, और कोई तो है नहीं। उसी को बैरोमीटर बना करके क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो सकता है 2024 में? मैडम, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि डिलिमिटेशन है 2026 तक। डिलिमिटेशन का मतलब यह है कि 2026 के बाद आप कंस्टिट्यूएंसीज को रीडिफाइन करेंगे, समझ गया ना? तो रीडिफाइन करने का क्या होता है? बड़ा सिंपल,
आप देखेंगे आपकी जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या आपको सेंसस से पता लगेगी, जब आपको पता लग जाएगा जनसंख्या कितनी है उसके बाद आप कंस्टिट्यूएंसीज को करेंगे, और फिर हमारी तो इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन बैठेगी, लोगों को मौका देगी टू कम एंड मेक देयर रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद। तो क्या इंटेंट दिखाने के लिए, अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए, क्या भाजपा 2024 के चुनाव में ज्यादा महिलाओं को टिकट देगी? नहीं नहीं, हाँ वो बिल्कुल, वो तो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूँ 2024 तक क्यों वेट करना, अभी भी जो चुनाव के देगा। लुक, इफ यू बिलीव इन दिस कॉज, एंड हम देते आए हैं, शुरू से देते आए हैं। दिल्ली में इस हफ्ते एक ज्वेलर के यहां 25 करोड़ रुपए की चोरी, ये दिल्ली के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी थी। इस घटना से अब दिल्ली के ज्वेलर्स में अपनी दुकान की सुरक्षा को लेकर डर और चिंता है। देखिए ज्वेलर्स ने चोरी रोकने के लिए क्या समाधान ढूंढा। दिल्ली के पीतमपुरा में रात के 2:15 बजे 4 चोर बाकायदा कार से आए और एक शोरूम का शटर तोड़ने की कोशिश की। लेकिन 10 सेकंड में ही शोरूम के बाहर लगे सिक्योरिटी सिस्टम ने पहले शोर मचाया, फिर पुलिस सायरन बजाया। मजबूरन चोरों को डर के मारे बिना चोरी किए ही भागना पड़ा। पूरा जो शोरूम है वो चोरों ने साफ कर दिया है। दिल्ली के जंगपुरा में उमराव ज्वेलर्स के यहां 25 करोड़ की चोरी हुई, जो दिल्ली के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी थी। दिल्ली के सबसे बड़े सोने चांदी के बाजार चांदनी चौक के कूचा महाजनी में इस घटना से ज्वेलर्स में चिंता और डर है, क्योंकि यहां तो छोटी छोटी दुकान पर भी करोड़ों का कारोबार होता है। कूचा महाजनी में सोने के गहनों का कारोबार करने वाले सुमित सिंघल ने अपनी दुकान पर नया सिक्योरिटी सिस्टम लगवाया है, जिसमें सीसीटीवी के साथ एक लाउडस्पीकर भी लगा है। इसकी लाइव मॉनिटरिंग होती है तकरीबन रात 11 बजे से लेकर सुबह। सुमित बताते हैं कि ये सेवा देने वाली सिक्योरिटी कंपनी रात के 11 बजे से सुबह 6-7 बजे तक लाइव मॉनिटरिंग करती है। कोई भी गलत व्यक्ति दिख जाए तो पहले शोर मचाया जाता है, फिर पुलिस का सायरन बजाया जाता है। फिर भी चोर नहीं भागे तो दुकान मालिक और पुलिस को तुरंत सूचित करते हैं। ये जो सिस्टम हमने इंस्टॉल किया है और जो जनरल सीसीटीवी कैमरा का सिस्टम होता है, हाँ, दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। ये बेसिकली इसकी लाइव मॉनिटरिंग होती है तकरीबन रात 11 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक। बैक एंड टीम मॉनिटरिंग करती है इसकी। कोई भी गलत आदमी अगर आता है, आसपास भी आता है, उसके लिए एक और प्रोविजन है। यहाँ पे एक सायरन लगाया गया है। अच्छा। एक बेसिकली लाउड स्पीकर कह सकते हैं हम। हाँ। कोई भी यहाँ पे उनको कोई शक होता है तो उसको वो तुरंत अपनी आवाज से उसको चेतावनी दे देते हैं, उसको टोक देते हैं। अच्छा। दूसरी चीज, अगर वो फिर भी नहीं मानता है तो वो इस सायरन को एक आवाज देकर उसको सायरन को प्ले करते हैं। अच्छा। देन थर्ड, वो यहाँ की लोकल पुलिस को, थाने को इंटीमेट करते हैं। अच्छा। तो तुरंत एक्शन यहाँ पर हो जाता है। ये सेवा देने वाली कंपनी के कंट्रोल रूम में उसके सभी क्लाइंट्स के यहां लगे सीसीटीवी सिस्टम की लाइव फीड मॉनिटर होती है। कुछ भी संदिग्ध दिखने पर कंपनी ऑनलाइन सिक्योरिटी गार्ड का काम करती है। इस कंपनी का दावा है कि इस सिस्टम से अब तक 244 चोरियां रोकी जा चुकी हैं। सर, इस सिस्टम में क्या होता है, हम आपकी लोकेशन पे सेटअप लगाते हैं, कैमरा सेटअप, और उसको यहाँ से बैठकर लाइव देख रहे होते हैं। नॉर्मल केस में क्या होता था, पहले के कैमरे लगे हुए हैं, रिकॉर्डिंग मिल रही है जो बाद में सिर्फ फुटेज के काम आती थी। हाँ। कोई देख तो नहीं रहा। हाँ। हम सेकंड बाय सेकंड लगातार देख रहे हैं, तो जैसे ही वहाँ कुछ संदिग्ध दिखता है चोरी करने के मकसद से या कुछ गलत हरकत के मकसद से, उसी टाइम उसको रोकने के लिए हमने हर साइड पर साउंडर्स और कुछ सिस्टम लगा रखे हैं, जिसको हम यहाँ से इसी टाइम कमांड करके वहाँ, अब चोर हमें देख नहीं रहा, हमने उसी टाइम एक्शन लिया। अभी उसने किया नहीं, अभी तो करेगा, उससे पहले हमने एक्शन लिया तो भाग जाता है। अगर वो नहीं भागे
लगेगा तो हम हर डिपार्टमेंट को फोन करेंगे बार 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 बार, मालिक को, पुलिस को, जो भी डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड है। हाँ। लेकिन टचवुड आज तक जरूरत नहीं पड़ी और 244 चोरियां हम रोक चुके हैं आज तक विद वीडियो प्रूफ। ये सिस्टम लगवाने का खर्चा महीने में 3 से 6 हजार रुपए का है। ज्वेलर्स के मुताबिक ये सिस्टम किफायती भी है और ज्यादा सुरक्षित भी। हमने रेट की भी बात की है, काफी रिजनेबल है। आज चौकीदार को लो तो 15-20 हजार रुपए का आता है, तो इनका सिस्टम 2-3 हजार रुपए का है, प्लस जीएसटी है। तो ये सिस्टम बहुत ही अफोर्डेबल है और बहुत कारगर है। तो हम दिल्ली पुलिस के साथ में मिलके और सुरक्षा सिस्टम के साथ में मिलके इसको हम फैलाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लोगों को वायरल करना चाहते हैं। पूरे इंडिया के लोग, जब से मैंने ये मैसेज वायरल किया है, पूरे इंडिया के लोगों की इंक्वायरी आ रही है। तो सीधे शब्दों में कहें तो एक सीसीटीवी कैमरा सिस्टम के अंदर केवल एक रिकॉर्डिंग सिस्टम ही होता है, लेकिन इस सिस्टम के अंदर सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग सिस्टम तो है ही, साथ में लाइव मॉनिटरिंग भी है, लाइव अलार्म भी है और लाइव इंफॉर्मेशन सिस्टम भी मौजूद है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।